कहा अल्लज़ीन हुम फी गमरतिन साहून, जो गफलत में पड़े भूले हुए हैं तो मानते ही नहीं, और जब मानते ही नहीं तो फिर उसके लिए तैयारियां कहां से होंगी। तो जैसी चाहते हैं जिंदगी जीते हैं, बदमस्तियां करते हैं और शरारतों के काम अंजाम देते हैं, गफलत में पड़े हैं, मौज में मस्ती में। क्यों? इसलिए कि आगे क्या होने वाला है तसव्वुर सही नहीं है, अकीदा सही नहीं है, सोच सही नहीं है। का यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, करते क्या है? तो मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सवालात दागते हैं। अगर वाकई होने वाला है तो कब है, कब पेश आएगी क़यामत, क़यामत कब आने वाली है पूछते थे। तो ये पूछना किस लिए था? अगर इनको बतला दिया जाता तो मान लेते क्या? जाहिर सी बात है कि मानने के लिए ये सवाल नहीं था, बल्कि सवाल बराए सवाल। और जब सवाल बराए सवाल हो तो जवाब के बाद फिर सवाल आता। तो अगर इनको कह दिया जाता कि फला दिन तो तस्लीम कर लेते, फिर कोई सवाल दागते। तो ये सवाल बराए सवाल है और सवाल बराए इनकार है, इनकार करने के लिए। का यौमहुम अलन नारि युफ्तनून, तो इसलिए बताना मसला नहीं है, इनको सीधे अंदाज में कह दीजिए कि वो दिन है कि जिस दिन तुमको तपाया जाएगा, सोना चांदी दूसरे मादनियात वगैरह आग पर रख दिए जाते हैं। किस लिए? कि मैल कुचैल जो उनका है ना दूर किया जाए। तो कैसा हाल होता है उनका? कहा कि ठीक, इनका मामला वैसे ही किया जाएगा। और फिर क्या कहा जाएगा? दू कु फितने तक तुम अपनी आजमाइश, अपने फितने, फितना अंगेजी का मजा चख लो। और हाद अल्लज़ी कुंतुम बिही तस्तअजिलून, तुम जिस चीज़ की जल्दी मचाते थे ना, यही है वो चीज़। तो ऐसे लोगों की सजा यही है, इनको दुनिया में जवाब जवाब दे दे के मनवाया नहीं जा सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान मजीद ने जवाब नहीं दिया है और अल्लाह ताला की तरफ से समझाया नहीं गया। ये जो कसमें खाई गई है किस लिए खाई गई है? तो समझाने के लिए ना, तो अल्लाह ने हुज्जत पूरी कर दी। और फिर हुज्जत पूरी होने के बावजूद कोई समझे नहीं तो फिर इन्नल्लाह यहकुम बैनहुम यौमल क़ियामा फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिन मामलात में भी ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं क़्यामत के दिन अल्लाह ताला इनके सिलसिले में फ़ैसला करेगा। तो फैसला क्या होगा? ये होगा। तो सोच लो, गौर कर लो, ये अंजाम कबूल है या नहीं है। अल्लाह से दुआ की बातों को समझ लें और इस काम रहने की तौफीक मत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।